हे गाइस, वेलकम बैक टू माय आर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला बाजू की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके बताऊंगी। तो अम्ब्रेला बाजू बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब इसको खोल के अच्छे से बिछा लेंगे। तो इस तरह से इसको टू फोल्ड में रखेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से सेट करके बिछा लिया है। तो गाइस, हमें 18 इंच की अम्ब्रेला बाजू तैयार करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सिंपल तरीके से जैसे स्लिप्स का कट करते हैं, उसी तरह से पहले हम कट करेंगे। उसके बाद अम्ब्रेला बाजू का जो घेर होता है उसे अलग से कट करेंगे। तो अब हम नाप लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 11 इंच निशान लगाएंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को स्ट्रेट करेंगे। तो इस तरह से दोनों निशानों को स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ से गोलाई का निशान लगाएंगे। गोलाई है हमारे 10 इंच, तो यहाँ पे हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल है 8.5। अब इन दोनों निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे आपस में मिला के। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, इस तरह से यहाँ से गोलाई देंगे। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी 1.5 या 2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे कट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से निशान के ऊपर कट कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे, एक कट का निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक कट का निशान यहाँ पर लगाएंगे। तब स्लिप्स को आप खोल लेंगे। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देके इसको कट करेंगे। तो बीच सेंटर से ले जाके इसको कट कर लेंगे। तो ये स्लिप्स मैंने कट कर लिए हैं। तो यहाँ तक तो हमने सिंपल तरीके से जैसे स्लिप्स कटिंग करते हैं उस तरह से कट कर लिया है। तो अब हम इसके आगे का घेर जो अम्ब्रेला बाजू का होता है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको हम अच्छे तरह से बिछा कर इसको इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। तो ये 2 फोल्ड मैंने कर लिया है। तो इसमें मैं 1 फोल्ड और करूँगी। तो ये हो गए हमारे 4 फोल्ड। तो देखिए ये 4 फोल्ड हो गए। तो अब हम यहाँ साइड से इस पर निशान लगाएंगे कोने से। तो बाजू की जो हमारी गोलाई थी वो थी 10 इंच, तो हम 10 का 4/4 भाग यानी कि 2.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा इसको गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे गोलाई देंगे। तो गाइस, अब हम यहाँ पे 7.5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। तो जो पहले हमने जो आस्तीन काटी थी वो थी 11 इंच की और ये है 7 इंच, तो यानी टोटल हुआ 18 इंच। तो ये हमारी बन के 18 इंच तैयार होगी। तो 7 इंच पे 1/2 इंच प्लस यानी कि 7.5 इंच पे निशान इस तरह से लगाएंगे। इस तरह इसको गोलाई देते हुए निशान लगाते जाएंगे। अब इस निशान के ऊपर इसको कट कर लेंगे। तो
इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो अब यहाँ नीचे से भी इसको कट कर लेंगे, हल्का सा आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन देते हुए इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये अम्ब्रेला घेर हमने कट कर लिया है, तो इसको हम खोल के देखेंगे। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखेगा। तो चलिए ये तो हो गई हमारी कटिंग, अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो अब हम ये जो स्लीव्स है इसमें जो फिटिंग का निशान दिया है इस पर हम सिलाई करेंगे इस निशान पे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अम्ब्रेला का जो ये घेर है इसको उल्टी साइड बिछा लेंगे और किनारे की साइड यहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड करके इस पर सिलाई करेंगे इस तरह से यहाँ पे। तो इस तरह से इस पर हल्की हल्की सिलाई करते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हल्का सा फोल्ड करके हमें चारों तरफ इसकी सिलाई कर देनी है। तो ये मैंने चारों तरफ इसकी सिलाई कर ली है, अब इसको उल्टी तरह से हम बिछा लेंगे। और अब जो हमने स्लीव जो तैयार की थी इसको भी उल्टा रख के हम अम्ब्रेला बाजू पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों को अटैच करके इस पर हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमको इसके चारों तरफ हमको सिलाई करते हुए जाना है। बस हमें यहाँ पे आराम आराम से हमको सिलाई करनी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है सिलाई के लिए, तो हमें यहाँ पे रुक रुक के सिलाई करनी है। तो इसी तरह से पूरी सिलाई करते हुए जाएंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारा अम्ब्रेला बाजू तैयार है बनके। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।